हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल स्टडी आइकॉन एजुकेशन पे। आज हमने जो सीरीज स्टार्ट किया है उसका दूसरा वीडियो है, तो चलिए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति उसके कार्यालय के वापस आने की गति के 1/5 भाग पर कार्यालय जाता है। यदि पूरी यात्रा के दौरान औसत गति 20 किलोमीटर प्रति आवर है तो कार्यालय जाते समय उस व्यक्ति की गति क्या होगी। देखिए क्या दिया हुआ है, 1/5। ठीक है, उसके कार्यालय के वापस आने की गति के 1/5 भाग पर कार्यालय जाता है। तो अगर 5x अगर उस व्यक्ति का कार्यालय से आने की स्पीड है, ठीक है, तो उसके 1/5 भाग पे तो x ये कार्यालय जाने की गति हो जाएगी। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि उसका एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर प्रति आवर है, तो मतलब वो कार्यालय अगर x से जाता है तो कार्यालय से 5x से आता है। ठीक है, तो जैसे आपको पता होगा कि कोई v1 से जाता है और v2 वेलोसिटी से जाता है और सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो उस कंडीशन में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × v1 × v2 / v1 + v2। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, कार्यालय दोनों कार्यालय का डिस्टेंस तो सेम ही है। ठीक है, तो वो कार्यालय जा रहा है 5x से और कार्यालय से आ रहा है 5x से। तो बस आपको फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देना है, एवरेज स्पीड का आपके आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 2 × v1 5x × v2 बराबर एक्स एंड v1 + v2 6x। तो आपको आप यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो x से x गया, 2 से 3 टाइम्स गया, 5 से 4 टाइम्स गया, तो x इक्वल्स टू 12 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया। ठीक है, तो गाइज आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।